नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। मध्य प्रदेश के रीवा में सड़क बनी गौशाला, रहवासियों को हो रही परेशानी। खबर रीवा से है, जहां आवारा जानवरों से लोग परेशान हैं, वहीं पशुपालक जिन जानवरों को बांधते हैं वे भी मुसीबत पैदा कर रहे हैं। मामला चोराटा थाना क्षेत्र का है, जहां पशुपालकों के द्वारा बस्तियों की सड़कों पर जानवरों को बांधा जा रहा है। दोनों तरफ जानवरों को बांधने से आवागमन बाधित होता है, इसके बाद भी विरोध करने पर विवाद करते हैं। उक्त मामले की शिकायत करते हुए रामजी शुक्ला ने बताया कि मोहल्ले के चंद्रमणि मिश्रा के साथ गांव के कई लोग हैं, जो सड़कों पर जानवरों को बांधकर आवागमन बाधित करते हैं। आइए आपको दिखाते हैं किस तरह से सड़कों में जानवरों को बांधा जा रहा है और विवाद की स्थिति निर्मित की जा रही है। रीवा रायपुर कर चुलियान संवाददाता ब्रजेश तिवारी की रिपोर्ट। रामजी शुक्ला, क्या समस्या है? समस्या है, आए दिन यहाँ 10 फीट की रोड है और मवेशी दोनों तरफ से बांध देते हैं, फिर बाद में विवाद करते हैं। गाड़ी आने जाने का, निकलने का रास्ता बंद हो जाता है। कौन सी जगह है ये? रौसर है, छोटी टोला, गुलाबी टोला। थाना कौन सा लगता है? चोराहटा। किनके द्वारा ये बांधा जा रहा है? ये है चंद्रमणि मिश्रा और दिलीप मिश्रा और गांव के और कुछ लोग हैं। कुछ दिन बांधते हैं, कुछ दिन दाएं बाएं कर देते हैं। कैसी समस्या आ रही है आप लोगों को? और भी लोग यहाँ से निकलते होंगे? हाँ, सब लोग आते हैं, सबको परेशानी होती है। दो पहिए नहीं निकलती, फोर व्हीलर वाले तो परेशान होते हैं, पहले आते हैं फिर उतरते हैं, फिर मवेशियों को रगड़ते हैं, उसमें भी विवाद करते हैं क्यों रगड़ रहे हैं।